बेचने वालों को बंद करो, बंद करो। मंशियात बेचने वालों को बंद करो, मंशियात बेचने वालों को बंद करो, बंद करो। फ्री कश्मीर, फ्री कश्मीर। मंशियात बेचने वालों को बंद करो, ड्रग फ्री। बंद करो, बंद करो। ड्रग फ्री कश्मीर, ड्रग फ्री कश्मीर, ड्रग फ्री कश्मीर। आज जो हमने रैली यहाँ पे की, इसका जो मेन मोटिव था वो था एंटी ड्रग एडिक्शन, और इससे हमने ये सीखा कि हमें हर एक को कदम उठाना चाहिए ताकि ये जो ये ड्रग एडिक्शन है ये दूर हो जाए। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी हम सब की है। मेरे को लगा कंटेंट ज्यादा इम्पोर्टेंट है। संजय सर, आपकी पार्टी उतनी इस वाले इश्यू में इम्पोर्टेंट नहीं है। जो एंटी ड्रग मूवमेंट है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें घुस जाए। हमने अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 3 नवंबर को हमारा कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट होगा, उसके बाद अराउंड 60-65 जो हमारा बड़ा ग्रुप बनेगा, उस ग्रुप के माध्यम से फिर हम टच करेंगे विलेजेस को। तो एक ऑनेस्टली बताऊं, मैं तो खुद पॉलिटिकल आदमी हूं, लेकिन आज किसी माँ को, किसी बेटे को 6 बजे फोन नहीं करना पड़ता है कि आप घर किस टाइम आओगे। आज 10 बजे हर माँ बच्चे को फोन करती है, आप खाना खा के आओगे या घर में खाना खाओगे। ये चेंजेस आ गई। कल भी वही SSPs थे, SPs थे, DSPs थे, DCs थे, और पॉलिटिकल लीडरशिप थी। लेकिन कल सरकार थी, आवामी आज कल सरकार थी। हमारे 124 बच्चे एक ने मारे, दूसरे ने 129 बच्चे मारे, और मारने के बाद में फिर कंपटीशन हो गया। एक पार्टी कह रही है मेरे यहाँ 124 ही मरे, दूसरे साहब कह रहे हैं नहीं 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 तुम्हारे यहाँ 129 मरे, मेरे 124 मरे। 253 किड्स स्टूडेंट्स हैव बीन किल्ड। कोई भी मस्जिद में जुमा को नमाज नहीं अदा कर पाता था कि मैं नमाज अदा करने के बाद बाहर आ जाऊंगा, वहां पथरा होगा, मैं घर कैसे पहुंचूंगा। कोई बच्चा जुमा के दिन 4 बजे ट्यूशन में नहीं जाता था 4 बजे के बाद, क्योंकि पुलिस को गिरफ्त में वो बेचारा फंस जाता था। इलेक्शन कमीशन कह रहा है देयर आर सम सिक्योरिटी रीजंस, तो लेट अस सी इफ देयर आर सम सिक्योरिटी रीजंस। आई विश कि दो सिक्योरिटी रीजंस शुड बी कवर्ड एंड टेकन केयर बाय Election Commission, and election is, I hope that will be taken care. Why not? We are in the democratic setup. We also. मैं तो यही कहता हूँ कि हर जुमा को लोग नमाज अदा कर सकते हैं, क्योंकि as per Islam is concerned, जो मैंने भी थोड़ा कुरान पाक को स्टडी किया है, उसमें यही है, अपने हदीसों में लिखा है कि आपकी जुमा जुजन बोरदोशी जुमा दो, अगर आप नमाज अदा करोगे, आप जमात में अदा करें तो उसका एक अलग प्रेयर, उस प्रेयर की अलग एक वैल्यू होती है। तो